Hello friends, welcome back to another video on my channel Selma Styles. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज का जो व्लॉग है मैंने अभी जस्ट अपलोड कर दिया है, और अब कल के जो व्लॉग अपलोड करूँगी वो मैं अभी से शुरू कर रही हूँ। और अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 8:40 या 9 ऑलमोस्ट हो गया है। तो अभी मैं बना रही हूँ पनीर के पराठे भरत की डिमांड पे, तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरी तैयारी। यहाँ पर पनीर ग्रेट हो गया है, यहाँ पर आटा है जो गूंध के रखा है वो हो जाएगा, और मैं इसमें से कुछ पनीर ही बनाऊंगी, सारा नहीं बनाऊंगी क्योंकि दिस इज़ फॉर ऑलमोस्ट 80 ग्राम्स या 100 ग्राम्स जो होता है उतने का ही मैं इधर बनाऊंगी। तो ग्रेट करके रख लिया था, मैं तो ऐसे ही पनीर को खा जा रही हूँ मतलब बिना कुछ इसको किए, मुझे ऐसे ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है। सोच रही हूँ कल फिर शायद चीला बनाऊँ और उसकी स्टफिंग इसी पनीर के साथ करूँगी। भरत इज़ रियली फॉन्ड ऑफ एनी काइंड ऑफ स्टफ्ड पराठा, तो पनीर रखा हुआ था, सोचा था कि जीजा जी और दो चार दिन तो रहें के लिए एक दिन पनीर पराठा या शाही पनीर टाइप कुछ बनाऊँगी, मगर वो परसों मतलब हाँ मंडे मॉर्निंग ही चले गए, तो पनीर ला के रखा था। तो बनाना अब शुरू करती हूँ पराठा, और आपको दिखाती हूँ मैं उसमें क्या क्या डालूँगी। और यहाँ पर मैंने दिया है अमचूर पाउडर, चाट मसाला, लाल मिर्च और ये नमक थोड़ा सा ख़त्म हो रहा है, ये ऐड कर दूँगी। और मैंने फ्रिज को दोबारा से चेक किया, मसाले वापस रख रही थी तो मुझे मिल गया धनिया और हरी मिर्च। अब मैं इसको फटाफट चॉप कर लेती हूँ इसमें ऐड करने के लिए। इधर मसाला बनके रेडी हो गया। मैं सच बता रही हूँ, ये जो स्टफिंग बनी थी एकदम धनिया की वजह से फ्रेश थी, और मसालों की वजह से एकदम चटपटी हो गई थी। और यहाँ पर मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं, गर्मा गर्म भरत को सर्व करूँगा। देखिए मेरा पराठा एकदम गूंद बेक के रेडी हो गया है, कहीं से भी नहीं फटा, और बहुत ही अच्छी इसकी स्टफिंग भी हुई है। जब मैं इसको इधर डाल रही हूँ, और ये देखिए पका हुआ पराठा, भरत ऑलरेडी खाना शुरू कर चुका है राजमे की सब्जी के साथ, और अभी बाकी बनाना शुरू करते हैं। कैसा है टेस्ट? और यहाँ पर भरत को सर्व करने के बाद मैं अपने लिए पराठे बना रही हूँ। मैंने अपने लिए ज़्यादा नहीं बनाया, सिर्फ दो पराठे बनाए। और जब तक लास्ट वाला पराठा सिक रहा है मैं किचन को क्लीन भी कर रही हूँ, ताकि अगली सुबह के लिए मुझे क्लीन किचन मिले। और यहाँ पर रेडी हो गया है मेरा डिनर प्लेट, राजमा, सम मैंगोस एंड पनीर पराठा। पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी, देखिए हाउ आई एम स्वेटिंग नाउ। तो चलिए अपना डिनर कर लेती हूँ मैं। और आज है नेक्स्ट डे, मैं आ गई हूँ बालकनी में। सबसे पहले मैं बालकनी में ही आती हूँ देखने के लिए कितनी ज़्यादा गर्मी लग रही है।
और गर्मी तो है बहुत ही ज़्यादा। वो बारिश हुई थी अच्छे से, वो सिर्फ संडे को हुई थी, और उसके बाद से तो इतनी गर्मी बढ़ गई कि बाहर आते ही गरम गरम लगता है। और यहाँ पे मैंने बेसन लिए हैं, नमक थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सफ़ेद, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च, और ये है अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। और मैंने थोड़े से यहाँ पे करी पत्ता के पत्ते भी काट लिए हैं फ्लेवर के लिए। और अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ और अब इसको घोट लेंगे। ये देखिए यहाँ पे घुल चुका है, जो ये छोटे छोटे वाले रह गए हैं इसको मैं भिगा के अभी छोड़ दूँगी 2-4 मिनट, ताकि ये थोड़ा सा डिसॉल्व हो जाए। और यहाँ पर मैंने ये पनीर जो ग्रेट करके रखा था इसकी की स्टफिंग करूँगी। इसमें मैंने थोड़ा सा हरी मिर्च और धनिया का पत्ता ऐड कर दिया है, और यकीन मानिए कल जो हमने स्टफिंग बनाई थी ना वो बहुत टेस्टी थी, इसीलिए फिर आज मैं इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर, ये चाट मसाला, ये डालूंगी, और थोड़ी सी लाल मिर्च, इसी की मैं स्टफिंग रेडी करूँगी। मैंने देखिए ये मिक्स हो गया, टेस्ट भी कर लिया मैंने, इट टेस्ट्स डिलिशियस। और ये देखिए मैंने फर्स्ट चीला बनाना शुरू कर दिया है, और यहाँ पर चाय के लिए गर्म पानी। देखिए यहाँ पे चीला अच्छे से निकल रहा है, हल्का ब्राउन हो चुका है, जल्दी से कहीं जलने गया तो पलट देती हूँ। तो दूसरा वाला लगा दिया है, और ये जो पहले वाला था ये हो गया है। अब टाइम है इसमें स्टफिंग करने का। ये यहाँ से मैं ले रही हूँ पनीर, और बस इसको फोल्ड कर दूंगी। और देखिए यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट प्लेटर रेडी हो गया है। और अभी हो रहे हैं 10:50, हम दोनों रेडी हो गए हैं जाने के लिए मार्केट। चावल आटा वगैरह करके कुछ कुछ सामान है वो भी लेके आना है, तो वो लेके आएंगे। क्लासेस एक्चुअली वो देखने के आई हूँ, ग्लास की कटोरी अगर कुछ मिलती है तो। व्हाट आर दीज?
वाइन ग्लासेस। ये है लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा, मुझे इससे थोड़ा छोटा चाहिए था। और ये सब हमारा सामान है, यहाँ पर हमारा सामान है और एकदम पसीना पसीना हो गया। ये चावल और आटा ख़त्म हो गया था, ये कुकी बिस्किट हाइड एंड सीक खट्टा मीठा ये सब लिया, ये लिया और एक सेंधा नमक। आई एम गोइंग टू ट्राई सेंधा नमक के बना। और हम जल्दी कहीं निकलने वाले हैं तो उसके लिए कुछ स्नैकिंग के लिए ले लिया है, ये एक क्रोसों वगैरह और बस बहुत बेसिक सा सामान। चप्पल के लिए और भरत के लिए जूता, ये सब का ही बेसिक शॉपिंग करके आए हैं, घर का राशन का बेसिक। देखिए उधर है मून और लुक एट द स्काई। कैमरे में इतना पता नहीं चल रहा बट इट इज एक्चुअली स्लाइट पिंक एंड एम्बर। और अभी सनसेट ऑलमोस्ट हो चुका है, अंधेरा होने वाला है और मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ और आपसे मिलती हूँ कल के व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल सलमा स्टाइल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को सलमा स्टाइल्स। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल सलमा स्टाइल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।